बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो फ्रंट ईयर मेडिकल कॉलेज एबटाबाद के एडमिशंस 2023 के रिलेटेड है। फ्रंट ईयर मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में एडमिशंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एमबीबीएस प्रोग्राम में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर 2023 है, जबकि बीडीएस प्रोग्राम में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2024 है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले फ्रंट ईयर मेडिकल कॉलेज एबटाबाद की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट जो है वो ओपन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशंस का, एडमिशन इन्फो के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एडमिशन इन्फो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस स्ट्रक्चर का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है। आपने सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर जो है वो लाजमी चेक करना है। एमबीबीएस के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 18,90,000 है, सेकंड ईयर की जो फीस है वो 18,74,375 रुपीज़ है, थर्ड ईयर की जो फीस है वो 20,13,450 रुपीज़ है, फोर्थ ईयर की जो फीस है वो 21,62,950 रुपीज़ है, फिफ्थ ईयर की जो फीस है वो 23,23,670 रुपीज़ है। टोटल एमबीबीएस 5 ईयर प्रोग्राम की जो फीस है वो 1,02,64,445 रुपीज़ है। इसी तरह अपने बीडीएस के प्रोग्राम की जो है वो भी फीस स्ट्रक्चर चेक करते हैं। फर्स्ट ईयर की जो बीडीएस की फीस है वो 17,65,000 है, सेकंड ईयर की जो फीस है वो 17,40,000 है, थर्ड ईयर की जो फीस है वो 18,69,000 है, फोर्थ ईयर की जो फीस है वो 21,87,675 रुपीज़ है। टोटल बीडीएस 4 ईयर प्रोग्राम की जो फीस है वो 75,61,675 रुपीज़ है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशन पोर्टल का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रंट ईयर मेडिकल कॉलेज एबटाबाद का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इधर आपको लास्ट डेट जो है वो भी शो हो रही है, डेडलाइन फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम इज 24 दिसंबर 2023 एंड बीडीएस इज 10 जनवरी 2024। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने अकाउंट जो है अपना वो क्रिएट करना है। सबसे पहले सीएनआईसी नंबर अपना इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे और ईमेल एड्रेस को रीटाइप करेंगे और रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को जो है वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इधर आपको एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन शो हो रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल्स जो है अपनी वो इंटर करनी है। सीट अप्लाइंग फॉर ओपन मेरिट बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या ओवरसीज सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप डे स्कॉलर हैं या आपने हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो आपको चाहिए तो आपने बॉर्डर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है, वाइट बैकग्राउंड के साथ 350 KB जो है मैक्सिमम फाइल का साइज होना चाहिए। इसके बाद आपने फुल नेम जो है अपना वो इंटर करना है, फादर नेम इंटर करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है अपने वो इंटर करनी है अपनी, सबसे पहले मंथ इंटर करेंगे, फिर डेट, फिर ईयर, फिर आपने जेंडर जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनैलिटी जो है अपनी वो इधर इंटर करेंगे। इसके बाद सीएनआईसी की पिक्चर जो है अपने फ्रंट साइड की वो अपने अपलोड करनी है, इसी तरह बैक साइड की पिक्चर जो है आप वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपना वो इंटर करना है। इसके बाद गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करेंगे, पोस्टल एड्रेस जो है आपका आपने वो इंटर करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग जो है आपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स जो है आपने वो इंटर करना है। इसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक जो है अपनी पास की है उसका नेम जो है वो इधर इंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है आपने वो इधर अपलोड करनी है। इस मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इधर इंटर करनी है। सबसे पहले रिजल्ट स्टेटस जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जो है इंटरमीडिएट का आपने वो इधर इंटर करना है। टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करेंगे, कौन से बोर्ड से आपने एफएससी जो है वो अपनी कंप्लीट की है उस बोर्ड का नेम आप इंटर करेंगे और एफएससी का रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद आपने एग्जाम ईयर जो है एमडी कैट की इन्फॉर्मेशन वो इधर इंटर करनी है, एमडी कैट का रोल नंबर इंटर करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स जो है वो आपने इंटर करने है और एमडी कैट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके अपने सेव फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने के बाद अपने होम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इधर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है फ्रंट ईयर मेडिकल कॉलेज एबटाबाद की वो शो हो जाएंगी। आप बैंक के थ्रू जो है वो भी फीस पे कर सकते हैं जो कि 2,000 रुपीज़ है। आपने अगर एमबीबीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो 2,000 रुपीज़ जो है वो आप पे करेंगे। अगर आपने बीडीएस प्रोग्राम में भी अप्लाई करना है तो आपने 2,000 रुपीज़ जो है वो सेपरेट एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो आपको शो हो रही है। बैंक अल्फला की किसी भी ब्रांच में जाके अपने डिपॉजिट स्लिप जो है वो जनरेट करनी है
और फीस जो है वो पे करेंगे। फीस जो है वो पे करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एप्लीकेशन स्टेटस का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप MBBS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सबमिट नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। डेट ऑफ पेमेंट जो है वो आपने सबसे पहले इधर इंटर करनी है, सबसे पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, जिस डेट को आपने फीस सबमिट करवाई है वो इधर डेट इंटर करेंगे। इसके बाद फी पेड बाय बैंक डिपॉजिट और इजी पैसा आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी जो है इजी पैसा के केस में वो इंटर करेंगे। बैंक डिपॉजिट के केस में जो है आपने डिपॉजिट स्लिप का नंबर जो है आपने वो इधर इंटर करना है और डिपॉजिट स्लिप की पिक्चर जो है आपने वो इधर अपलोड करनी है। और इजी पैसा के केस में जो है वो आपने इधर ट्रांजैक्शन रिसीप्ट जो है आपने वो इधर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सबमिट MBBS एप्लीकेशन जो है इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।